अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 23 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और 23 मार्च से लेकर तकरीबन 2 महीने तक हमारा ऑफिस बंद रहा। और जब मैनेजमेंट ने देखा कि कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, सब कुछ बंद ही है और लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है और हमारा काम भी ऐसा सप्लाई चेन का और डिस्ट्रीब्यूशन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो और हम में भी सुस्ती आती जा रही थी। तकरीबन 1 महीने बाद ही हम लेट उठना शुरू हो गए थे, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि आधे लोग हाफ वीक में आएंगे और आधे लोग उसके अगले दिनों में आएंगे। सो इस तरह हमारा ऑफिस स्टार्ट हुआ और तकरीबन 20th रमज़ान से हमारा ऑफिस स्टार्ट हो गया था। और उसके एक हफ़्ते बाद ईद की छुट्टियां हो गई थी, ईद के एक हफ़्ते की छुट्टियों के बाद हमारा ऑफिस कंटिन्यूसली खुल गया। मतलब कि हमें रोज़ आना था 9 to 6 और एक हफ़्ता या अभी गुजरा ही था कि हमारे ऑफिस में पहला केस आ गया कोरोना का पॉजिटिव। तो ये सीन है, अब मास्क वगैरह लगाए बगैर हम ऑफिस में जा नहीं सकते। मेजर मसला हमारे साथ ये है अभी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी भी आप देख सकते हैं मैं पार्किंग से ऑफिस तक जा रहा हूँ तो कितनी ज़्यादा गर्मी है कि पसीने पसीने हो रहा हूँ। तो इसलिए सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मास्क के साथ, इसलिए मास्क हम सिर्फ ऑफिस में ही लगाते हैं। मजबूरी है, गर्मी है, सांस घुटता है। सो अभी ऑफिस जा रहा हूँ मैं और फिर आपसे ऑफिस में जाके बात करते हैं। भाई कायदे आज़म ने फरमाया काम काम हो सिर्फ काम, लेकिन लंच के टाइम पे हम वीडियो बना सकते हैं। कायदे आज़म ने फरमाया लंच का बहुत पानी आया, आ रहा है चलो आ रहा है शुक्र। तो भाई अभी 1 बज रहा है और 1 बजे हमारे लंच टाइम होता है। ये बॉयज़ ने आज हमारे साथ असफन चला गया है, उसके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है। सो आज हम लंच करेंगे। आज हमारे साथ है चिकन लच्छा, ये क्या है कीमा है, बिरयानी है और ये रह गया था, ये है रजा का पराठा। ये रोज यही लाता है, कभी कभी टिक्का भी ले आता है। श्याम भाई आ गए। श्याम भाई, श्याम भाई कैसे हैं आप? ये क्या पहना हुआ है आपने? मास्क मूवी तक ये सबसे सीनियर बंदे हैं हमारे, मतलब हैस कॉल के बॉयज में ना, है ना भाई? नहीं फिर कौन है? आमिर भट्ट सर। ये हैं उज़ैफ़ा, ये हमारे अशाम भाई, ये फ़याज़ साहब क्यों, और ये है जुनेद भाई। हम सारे हैस कॉल में हैं, ठीक है, और इस लॉकडाउन में भी हमारा ये ऑफिस चल रहा है। कुछ लड़के कम हैं आज, तो
तो जो है बस कोई यही आगाज निशान नहीं है। हमीद ने मन को कोरोना हो गया वो नहीं है और अस्पताल में चलो। ये हैं राजा साहब हमारे क्लास वाले यूनिवर्सिटी जो सबसे आखिर तक गिरते ही रहते हैं, बहुत लेट आते हैं खाना खाने और एंड तक खाते हैं और फिर उठ के अपना काम करते हैं। शरीफ हैं, थोड़े से शरीफ हैं लेकिन अच्छे हैं। खाना खाने के बाद हम हमेशा नीचे जाते हैं वॉक पर और साथ में या बिस्किट्स ले आते हैं नीचे एप्को से या फिर हम कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं। तो जब भी नीचे जाते हैं मास्क पहन के जाते हैं क्योंकि अंदर आना अलाउ नहीं है। लिफ्ट खुल गई है भाई, लिफ्ट वाले से बात करते हैं। जी भाई कोई तासरात दें आप अपने कोरोना के हवाले से। कोरोना के हवाले से बताएं कोरोना सीरियस है या नहीं है? लेकिन मास्क तो आपका है ही नहीं पूरा, नाक से घुस जाएगा, नाक से घुस जाएगा अंदर। इनकी 12 घंटे की ड्यूटी है, बट टफ जॉब है, लेकिन कोरोना की वजह से भी कम नहीं हुई। सो वी आर हेयर एट एप्को और हम यहाँ से खाने पीने के लिए कुछ लेते हैं। वैसे तो पेट फुल है, बस कोल्ड ड्रिंक लेंगे। कोल्ड ड्रिंक लेंगे वो भी जुनैद भाई के पैसे। यहाँ पे एक बच्ची आती है बड़ी आला इस वाले ऑफिस में, लेकिन अभी दिख नहीं रही, पता नहीं कहाँ पर है। आ गई तो ये था मेरे ऑफिस में एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बस दिखाने के लिए था कि भाई मेरे ऑफिसेज खुले हुए हैं और कोरोना वायरस जो है वो सीरियस है, लेकिन हम उसके बावजूद भी केयर बहुत कम कर रहे हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और ये मेरी बाइक।